नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए एक नए दिन की। तो सुबह के बज रहे 10:30, मैं तैयार हो रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ रामनगर को। और दोस्तों, सुबह से बारिश थी तो बारिश में ही मुझे भीग के ही सारा काम करना पड़ा, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। तो इसलिए और अब जाके बारिश बंद हो गई है, तो बाकी काम तो मैं अंकित को सौंप जा रही हूँ। और मुझे लेट हो रही, मैं निकलती हूँ। रामनगर से आने के बाद सीधा किचन में गई। किचन में जाके खाना बना बुनू के अब निपटी हूँ। अब खाना बना के टाइम हो रहा तीन बज गए हैं। 5 मिनट लगे 3 बजने में। और इन्होंने डोगियों ने ऐसा कर रखा, सुबह ही साफ करके गई थी और मशीन में कल के कपड़े पड़े हैं, कल धोए थे, बारिश आ गई थी तो ऐसे रह गए। अब उन्हें फैला देती हूँ, क्योंकि सुबह फैला के जाती तो बारिश आ रही थी। तो अभी तो फिलहाल मौसम सही है तो अब फैला देती हूँ। तारा का फ़ोन आ रहा था, तू रामनगर गई है तो आते समय हमारे घर आ जाना और शाम को साथ ही जाएंगे। पर दोस्तों, मेरे को टाइम नहीं मिला। सोचा पहले जाऊं, फिर मुझे याद आई कि घर में काम है, काम कर लूँगी, तो मैं नहीं गई। तो इसलिए तारा नाराज़ हो जाती है। मैंने उससे कहा तू ही आ जा इधर को, तो वो आशी को लेकर आई है। आशी का काम था बाज़ार में, तो आशी को लेकर आई है। तो मैंने आशी से कहा, भाई जब भी मैं तुम्हारे घर आने की सोचती कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो कह रही, आंटी रहने दो, आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। तारा कह रही, बड़ी है क्यों आएगी, इसे कितने बार बुला दिया। वाकई में दोस्तों, तारा ने मुझसे 1000 बार कह दिया मेरे घर आ, पर पैर ही नहीं पड़ता। एक तो उल्टा हो जाता है, और तारा के घर जाने का मतलब है दिन भर वहीं रहना। ये कहती है तुम मेरे घर आओ, वहीं खाओगे पियोगे और वहीं शाम को जाओगे। पहले तो मैं तारा के घर जाती रहती थी तो ये गुस्सा नहीं होती थी, अब इसके घर जा नहीं पाती थी, बहुत गुस्सा होती है। सुनाती अंकित से कहती है तेरी माँ तो बड़ी है क्यों आएगी मेरे घर में, मैं ठहरी फालतू आ जाती हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, तुम तो बाजार आते रहते हो तो तुम आ गए, अब मेरे को स्पेशल तुम्हारे घर आना पड़ता है। आशी भी गुस्सा कर रही, कह रही आंटी आप तो आते ही नहीं हो, पहले इतना आते थे अब आते ही नहीं हो, क्या बात, क्यों नाराज़ हो। मैंने कहा बेटा नाराज़ नहीं हूँ, पर टाइम ही नहीं हो पाता है। एक दिन अब जाना है भैया, तारा की भी शिकायत दूर करनी है, आशी की भी, नहीं तो भैया सुना सुना के मार देंगे मुझे। हमारे घर में बड़े बड़े लोग आ रखे हैं, बड़े बड़े लोग, दूर दूर से ढंग से देख लेना इनको, ये कौन है और इनको पहचान। हाँ नहीं, तुम्हें भी बहुत दिनों बाद देख रहे हैं हमारे घर पे, और इसको इसको पहचानते हो बता देना। ये हेमा भट्ट है, इसका नाम हेमा भट्ट है, पहचानते हो? ये बुआरी है मेरी है। मैं तुम्हारे पहले ब्लॉग में आ चुकी हूँ। हाँ पहले ब्लॉग में आ चुकी, उसके बाद गायब हो चुकी थी। कितने दिन बाद दर्शन हो रहे हैं, बड़े-बड़े लोग कभी-कभी गायब हो जाते हैं। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही। और फिर वो छोटे बन के फिर वापस आ जाते हैं। सही कहा, बिल्कुल सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। चाय पी लो, चाय स्पेशल में मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाई। सुन तो सही, तुम्हारे लिए नहीं बनाई चाय, मैं खुद पी रही थी। मैंने अपने लिए भी रखी है चाय कप की, तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ। मैं तो लता दी को ही देखती रह जा रही हूँ, कितनी स्मार्ट लग रही है। हाँ हाँ हेमा के दर्शन बहुत दिनों बाद है। हेमा हेमा है यार, हेमा तो कहाँ है? मैं हेमा हेमा है कहा? अच्छा अच्छा, मैं कह रही मैंने गलत नाम बोला क्या? मैं तो डेली आ रही हूँ। वही मैं भी कह रही, सुन मैं भी कह रही कौन मेरे घर के चक्कर काट रहा, तू ही थी। अच्छा वो बता दिया तूने, हमें शक्ल नहीं दिखाई। हाँ मैं दरवाजा खटखट आके चली जाती। हाँ सही कह रही, सही कह रही। हाँ नजर लग जाएगी, मैं मिस्टर इंडिया बन के आ रही। हाँ नजर ना लग जाए। हाँ हाँ अरे अरे बिल्ली छोड़ क्या करेगी तेरे को कुछ? ना बेल्जी बेल्जी भाई, बेल्जी भी कुछ नहीं कर रहा। अरे नहीं कर रहा था यार, तूने बेल्जी बेल्जी कह के उसको कर दिया। मेरे दोस्त मेरे भाई, ये दरवाजे में तुम्हारी चप्पल अंदर है, तुम अंदर से लो, मैं इसको बाहर करूँ। क्यों अभी तो आएंगी? कौन अभी तो आएंगी? राधा बुआ आ जाएगी। राधा बुआ नहीं डरती ना, डरती तू है। इधर से जा, चल तेरे को बाहर कर दूँ। हाँ हाँ मैं तो हूँ तेरे साथ खड़ी होने के लिए। आ रही राधा बुआ। आज हमारा प्रोग्राम था वीडियो बनाने का, तो तारा ने कहा वीडियो बनाएंगे। तारा अपना आई नहीं, धोखा दे दिया। राधा आई थी तो राधा मुझसे बोली कहाँ है, ना तो तारा घर में थी ना शोभा। फिर राधा मुझसे कह रही तुमने मेरे को बेवकूफ़ क्यों बनाया। मैंने कहा भाई मैंने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, जिसने कहा था वही लापता होगी, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने तो अपने घर का काम करा भाई, सही बात है, आते थे वीडियो बनाते। काफ़ी टाइम से हम लोग जो हमारा कुमाऊनी ब्लॉक है,
तो उसमें वीडियो बनाते डालते चैनल में, तो उसमें वीडियो कम आ रही है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। पहले तो अंकित करता था, अब अंकित के पास टाइम नहीं है, तो आजकल हम ही लोग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो कभी कुछ हो जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा। अब जैसे कि कल को मुझे ही है हल्द्वानी जाना है, कल मुझे दो पेशेंट को लेके जाना है, उनके जाँच करानी है, उन्हें दिखाना है, कितना टाइम लगता है कुछ पता नहीं। आज का दिन बारिश ने खराब कर दिया, शाम के टाइम पे थोड़ा बारिश बंद थी तो सोचा करेंगे, तो फिर कहाँ से कोई कहाँ चली गया कोई कहाँ। तो राधा आई थी, थोड़ी देर शोभा आई थी, हेमा आई थी, तो ये लोग आए थे, थोड़ी देर इनके साथ बैठी एक चले गए। तो मैंने भी फिर इनके जाने के बाद अपना काम करा, तैयार होके बैठी थी मैं, पर कोई आया नहीं, तो मैं भी क्या करती फिर, मैंने कहा भाई मेरी कोई गलती नहीं है। तो सब लोग चले गए तो मैं भी अपने काम में लग गई, काम वाम करा तो मैं रखा। अरे भगवान याद आ गई दोस्तों, ऐसी तो मैं लापरवाह औरत हूँ। दिखाती मैं क्या है, यहाँ देखो ये, इधर इनके लिए भात रख रखा, डॉगियों के लिए चावल, इसमें भात पक रहा है, और ये दूध रखा, दूध खोल रहा है। भूल गई गैस में दूध रख गई हूँ, ऐसा तो ध्यान रहता है मेरा, तभी तो बोल रही हूँ ध्यान ही नहीं रहता है, दूध रख जाती हूँ भूल जाती हूँ। खोलना कोई बात नहीं, वैसे तो खोल के तो जितना खोलेगा दूध अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इसमें मलाई अच्छी लगेगी। वैसे तो दोस्तों इसमें घी तो थोड़ा बनता है, इतना यह है कि दिया बत्ती जलाने के लिए हो जाता है गाय का घी, तो कहते हैं गाय का घी शुद्ध होता है, इसलिए मैं थोड़ा दिया बत्ती जलाने के लिए बना लेती हूँ। तो अब 8 बज गए हैं, अब मैं करती हूँ खाने पीने की तैयारी, क्योंकि मैंने आज कोई था नहीं, शाम के टाइम पे सब चले गए थे, तो मैंने अपना फटाफट काम कर लिया था। अब मैं जरा कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ, फिर खाने पीने की सोचती हूँ। अब कर लेती हूँ शाम के खाने की तैयारी। दोस्तों चाय बना के लाई हूँ, चाय के साथ साथ मैं करेले भर रही हूँ, मसाला वसाला मैंने सब दिन में तैयार करके रख दिया था, मुझे पता था शाम को टाइम नहीं मिल पाता, फिर ऐसे ही हो जाता है, तो इसलिए अभी फटाफट भर के इन्हें बना लूँगी, और जल्दी बन जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। तो भाई इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ, कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।